Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that we have started the chapter the head driver. Most of the parts I have covered, but few lines, few paragraphs still remain. So let us firstly complete these remaining parts. So students, get ready for this. Open the book Footprints Without Feet and the chapter The Head Driver. लास्ट में बेटा आपने पढ़ा था, देखिए, ऑन दैट डे, उस दिन आई केम टू नो न्यूमोलियन बेटर देन आई डिड द सिटी. यानी न्यूमोलियन को उस दिन वह बहुत अच्छे तरीके से समझने लगा जितना कि और किसी शहर को जानता था, एंड टू लव इट बेटर, और अच्छे ढंग से उससे प्रेम करने लगा और उसका अटैचमेंट हो गया. बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज. बिल को कॉलेज के बारे में और शहर के बारे में तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री. लेकिन बहुत ज्यादा शहर में वह घूमा हुआ था. एंड देखिए, अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री, लेकिन कंट्री में, देखिए, देहात में बहुत ज्यादा घूमा हुआ था उसे. देखिए, कॉलेज के बारे में और सिटीज के बारे में बेटा बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं थी, लेकिन कंट्री, देहात में वह बहुत ज्यादा घूमा हुआ था. एंड हैड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स, और बहुत ज्यादा जॉब्स भी देखा था. देखिए, बहुत ज्यादा देहात में गया हुआ था और तरह तरह के काम भी किया हुआ था. फ्रॉम हिज एडवेंचर्स, और उसके जो साहसिक कारनामे थे, ही हैड ब्रॉट बैक ए फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लॉफर. अब देखिए, अपनी उस काम से, देखिए, अपने साहसिक कारनामों से वह एक सादगी और हंसी का एक दर्शन लेकर के आया हुआ था. और इस चीज ने क्या किया, ही स्ट्रेंथेंड मी, और इसने मुझे मजबूत बना दिया. वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मेडोज एंड वुड्स, हम वहां से निकल पड़ते हैं. देखिए, वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मेडोज, बहुत ही शांत नजारा जो था चरागाहों का, जंगल का, वहां से निकल दिए. एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लटकिंस, और फिर से ओलिवर लटकिंस की तलाश करना शुरू कर दिए. कहने का मतलब, फिर ओलिवर लटकिंस को ढूंढने लगते हैं. वी कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाते हैं. एट लास्ट, अंत में, बिल कॉर्नर्ड ए फ्रेंड ऑफ लटकिंस, लटकिंस के एक फ्रेंड से वो मिला. एंड मेड हिम एडमिट दैट व्हाट ही गेस्ट, और ये एक्सेप्ट किया कि उसका अनुमान कहां है, वह कहां पर गया हुआ है, कहां पर मिल सकता है. तो क्या मिला, देखिए, ओलिवर्स गोन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ. और पता क्या चला कि ओलिवर जो है अपनी मां के फार्म पर गया हुआ है, जो कि 3 miles दूर उत्तर की तरफ है. वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स, और हम योजना बनाते हुए, विचार विमर्श करते हुए, हम वहां पर भी चल देते हैं. चलिए देखते हैं वहां पर उसकी मुलाकात हो पाती है कि नहीं हो पाती है, मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है. आई नो ओलिवर्स मदर, ओलिवर की माँ को मैं जानता हूँ. सी इज अ टेरर, वह एक तरीके से आतंक है, डर है. बिल साइड, बिल ने कहा, आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस, एक बार मैं एक ट्रंक, संदूक लेकर गया बाहर, देखिए, उसके लिए निकाला. एंड सी ऑलमोस्ट टुक माय स्किन ऑफ, और उन्होंने मेरी खाल एक तरीके से निकाल लिया. क्यों निकाल लिया, बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एक्स, क्योंकि उस बॉक्स को मैं वैसे तरीके से नहीं ले गया, उस तरीके से बिहेव नहीं किया कि जैसे कोई अंडे का बॉक्स है, उतनी सेफ्टी से नहीं किया. शायद इतने पर उन्होंने मेरी खाल निकाल लिया था. सी इज अबाउट 9 feet टॉल, लगभग 9 feet जो है वो लंबी है. एंड 4 feet थिक, और 4 feet चौड़ी है. एंड क्विक एज ए कैट, और बिल्ली की भात जो है तेज है. एंड सी श्योर कैन टॉक, बात भी कर सकती है. आई विल बेट यू, देखिए, आई विल बेट ओलिवर हर्ड दैट समबडी इज चेजिंग हिम, और अवश्य ओलिवर को पता चल गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है. एंड ही हैज गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट्स, और जाकर के मुझे पता चल गया
कि जब उसे पता चला होगा ओलिवर लटकिंस को कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो जाकर के वह अपनी माँ के पास महापुरुष के पीछे छिप गया होगा। देखिए, वेल वी विल ट्राई हर, हम प्रयास करेंगे, बट यू बेटर लेट मी डू इट बॉय। लेकिन उसको संबोधित करते हुए लॉयर को कहा कि लेकिन ये काम मुझे करने देना, यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, मैं मानता हूँ आप कानून में साहित्य में आप अच्छे होंगे, बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग, लेकिन सौगंध खाने में कसम खाने में आप अभी उतने ट्रेंड नहीं हो। वी ड्रोव इन टू अ पुअर फार्म यार्ड, हम पहुंच जाते हैं हम लोग, देखिए वी ड्रोव इन टू अ पुअर फार्म यार्ड, एक फार्म यार्ड आंगन में वहां पर पहुंचते हैं। वी वर फेस्ड बाई एन एनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड लेडी, और हमारा सामना एक विशाल काय हसबुक औरत से होता है, देखिए ओल्ड वुमेन से। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर, मेरा जो गाइड था पथ प्रदर्शक जो था, वेंट अप टू हर, उसके पास गया एंड सेड, और कहा रिमेम्बर मी, मैं याद हूं कि नहीं याद हूं, मुझे पहचानती हो कि नहीं पहचानती हो, आई एम बिल मैग्नुसन, मैं बिल मैग्नुसन हूं, द कार्ट एंड द हैकमैन, वही गाड़ी वाला अपने आप को संबोधित करती हुई। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, मुझे आपके लड़के यानी ओलिवर की तलाश है, चाहता हूं, ढूंढ रहा हूं। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, सी शाउटेड, और फिर वो चिल्ला करके बोलती हैं, क्या बोलती हैं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर, ओलिवर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, एंड आई डोंट वॉन्ट टू, और मैं जानना भी नहीं चाहती, बहुत ज्यादा जानकारी है भी नहीं और मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, चिल्ला करके वह लेडी बोलती है। Now look here, अब यहाँ देखिए, we have had just about enough nonsense. देखिए पहले से तो हम लोग बहुत ज्यादा बकवास कर चुके हैं, हो चुका है। This young man represents, अब उस लॉयर की तरफ इंडिकेट करते हुए, this young man represents the court in the city. यह अदालत यानी कोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी तरफ से कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है, फरमान जो आया है, जो राइट है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वी हैव ए लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लटकिंस, और हमारे पास कानूनी तरीके से अधिकार है कि लटकिंस की जो प्रॉपर्टी है सभी की छानबीन हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, और बिल ने इस तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन उससे करा करके, मेरे बारे में बता करके मुझे और इम्पोर्टेंट बता दिया। And the woman was impressed, और वो लेडी काफी प्रभावित भी हुई। She retired into the kitchen, वह किचन में गई, and we followed, हम भी गए। She seized an iron from an old fashioned stove, पुराने तरीके के स्टोव से उन्होंने एक आयरन लिया, and marched on a shouting, और मेरी तरफ चिल्लाते हुए दौड़ पड़ी। You search all you want to, तलाशी ले लो, जितनी तलाशी लेनी है आप तलाशी ले लो। If you don't mind getting burned first, अगर आपको जलने से डर नहीं लगता है तो जितनी तलाशी लेनी है ले लो, रॉड लेकर के वह जो है दौड़ पड़ती है। She shouted, चिल्लाई and laughed at our frightened retreat, और जब भागने लगे डर के कारण हंसने लगे। Let's get out of here, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। She will murder us, वो हमारा कत्ल कर देगी, Bill whispered, Bill ने कहा। Outside, बाहर, he said, उसने कहा, Did you see her smile, क्या आपने उसे हंसते हुए देखा। She was laughing at us, वह हम पर हंस रही थी। I agreed, मैं सहमत हुआ, that it was pretty disrespectful treatment, यह बहुत ही अपमानजनक था। We did, however, search the house, कुछ भी हुआ लेकिन हमने घर की तलाशी लिया। Since it was only one story high, क्योंकि एक ही फ्लोर का था, हाइट बस उतनी ही थी, वन फ्लोर था। Bill went round it, Bill उसके चारों तरफ गया। Peering in at all the windows, चारों जो भी चारों तरफ जो विंडो लगी हुई थी, विंडो की तलाशी लिया, वहां झांक करके देखा, विंडो से झांक करके देखा अंदर। We examined the barn, खलिहान को भी देखा, and stable, और अस्तबल जो था वहां पर भी तलाशी लिया। We were reasonably certain, अब हम आश्वस्त हो गए, that कि लटकिंस was not there, कि लटकिंस वहां पर नहीं था। चारों तरफ देखने के बाद, इधर उधर तलाशी लेने के बाद, हम आश्वस्त हो गए कि वहां पर लटकिंस नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, अब दोपहर के बाद वाली ट्रेन पकड़ने का भी वक्त हो चुका था। एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन, और बिल मुझे स्टेशन ले गया।
ऑन द वे रास्ते में टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलोअर टू फाइंड लटकिंस. रास्ते में मैं लटकिंस को ढूंढ नहीं पाया था, इस बारे में जान करके मुझे बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, मैं टेंशन में नहीं था. देखिए, ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलोअर टू फाइंड लटकिंस. लटकिंस को जो है मैं नहीं ढूंढ पाया, इस बारे में मुझे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं थी. आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन. देखिए, मैं बिल मैग्नुसन के बारे में सोच रहा था. रियली, वास्तव में आई कंसिडर्ड रिटर्निंग टू निमोलियन टू प्रैक्टिस लॉ. मैंने मन बना लिया कि निमोलियन लौट करके मैं आऊंगा, वहां पर मैं प्रैक्टिस करूंगा. इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिट्स एंड गुस्टाफ एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स. अगर इस तरीके से उनके संपर्क में ना आया होता तो इन लोगों से, देख लीजिए, कुल मिलाकर के उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि अगर उनके संपर्क में वह ना आया होता तो बाकी जो स्टाफ से और लोगों से मिला, लोगों की राय को जान पाया, तो ऐसा नहीं हो पाता. आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फर्म्स. अब वह सोचने लगा कि यहां आकर के मैं अगर प्रैक्टिस करने लगा, सब कुछ अच्छे ढंग से चलने लगा, तो यह यूनिवर्सिटीज जो विश्वविद्यालय है और कानूनी जो फर्म है, इसके जो स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन है, इसकी जो सीमाएं हैं, इन सभी से मैं मुक्त हो जाऊंगा. आई वॉज एक्साइटेड. ये सब सोच करके मैं उत्तेजित था. आई हैड फाउंड अ ट्रेजर. मुझे खजाना मिल गया था. आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ. जीने का एक नया तरीका मिल गया था. बट इफ आई डिडंट थिंक मच अबाउट लटकिंस द ऑफिस डिड. लेकिन अगर मैं लटकिंस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता हूँ, लेकिन ऑफिस तो सोचेगा. आई फाउंड देम ऑल अपसेट. मैं सभी को बहुत जो है अपसेट पाया. अपसेट का मतलब बहुत ही कंफ्यूज, परेशान पाया. नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट. अगले दिन सुबह कोर्ट में जो है उसी केस के बारे में डिस्कस होना था. एंड दे हैड टू हैव लटकिंस. और उन्हें लटकिंस की जरूरत थी. आई वॉज सेमफुल. मैं बहुत शर्मिंदा था. यूजलेस फूल. बेकार का बेवकूफ था. देखिए, दैट मॉर्निंग माई प्रोमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन. और मेरा जो है एक वकील के रूप में जो करियर था, जीवन जो था, स्टार्ट होने से पहले एक तरीके से खत्म हो चुका था. द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी. जो हेड थे, शायद मेरा एक तरीके से उन्होंने कत्ल ही कर दिया. ही हिंटेड. उन्होंने इशारा किया दैट कि आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस. कि मैं गड्ढा खोदने का काम करूं, ये मेरे बस का काम नहीं है समझ करना. इस तरीके से उन्होंने मुझे इंसल्ट किया. आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू निमोलियन. मुझे निमोलियन जाने का आदेश मिला. एंड विद मी वेंट मैन हु हैड वर्क विद लटकिंस. और अब की बार मेरे साथ एक ऐसे आदमी को भेजा गया जो लटकिंस के साथ काम किया हुआ था. आई वॉज रेदर सॉरी. मुझे अफसोस था. बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लॉफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल. कि अब की बार बिल के साथ घूमने, मटरगस्ती करने का, घूमने का अब मुझे अवसर नहीं मिल पाएगा. इस बारे में मैं सोच करके थोड़ा सा दुखी था, उदास था. When the train arrived at New Mullion, जब ट्रेन जो है निमोलियन स्टेशन पर रुकती है बेटा, बिल वॉज ऑन द स्टेशन. बिल स्टेशन पर था, प्लेटफॉर्म पर, नियर हिज कार्ट, अपनी गाड़ी के पास खड़ा था. स्ट्रेंजली एनफ. और हैरानी की बात यह है कि दैट ओल्ड टाइग्रेस लटकिंस. और उस बूढ़ी औरत के लिए बेटा, देखिए टाइग्रेस वर्ड आया हुआ है, इतनी खतरनाक थी वो. वहीं पर खड़ी हुई थी. देखिए, मदर वॉज थ्री. देखिए, वॉज देयर टॉकिंग एंड लॉफिंग विद बिल. वो औरत जो है उनसे बात कर रही थी और हंस रही थी. नॉट क्वेरलिंग एट ऑल. बिल्कुल झगड़ा नहीं कर रही थी. फ्रॉम द ट्रेन आई स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल. देखिए, फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से ही स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड. मेरे साथ जो आया हुआ था उनको संबोधित करते हुए मैंने इशारा किया. देयर्स अ फाइन फेलो. देखो, वहां पर जो एक साथी है, ए रियल मैन, वास्तव में बहुत ही अच्छा इंसान है. आई स्पेंट द डे विद मी. मैंने उनके साथ जो है समय बिताया. देखिए, ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लटकिंस. हाँ, ओलिवर लटकिंस को ढूंढने में वह हेल्प किया होगा. यस, हाँ, ही हेल्प्ड मी अलॉट. बहुत ज्यादा हेल्प किया. ही मस्ट हैव. ही इज लटकिंस हिमसेल्फ. वह जरूर आपकी हेल्प किया होगा, क्योंकि लटकिंस कोई और नहीं है, वही है लटकिंस. वट रियली हर्ट मी वॉज दैट. जो मुझे ज्यादा हैरानी करने वाली बात थी, देखिए, व्हाट रियली हर्ट मी वाज, जो मुझे वास्तव में दुख पहुंचाया, ये था दैट कि व्हेन आई सर्व्ड द समन्स
मुझे जब समन किया, देखिए आई सर्व्ड द समन्स, जब मैंने उसको समन किया, लटकिंस एंड हिज मदर लॉफ्ड एट मी, और लटकिंस और उसकी माँ दोनों हंस रहे थे, एज दो आई वर ए ब्राइट बॉय ऑफ सेवन, मैं 7 साल का जैसे बच्चा हूँ, इस तरीके से हंस रहे थे मुझ पर। विद लविंग काइंडनेस दे बेग मी टू गो विद देम टू अ नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ टी, उन्होंने बड़ी दयालुता के साथ और रिक्वेस्टिंग वे में मुझे कहा कि पड़ोस के घर में वहां चलकर के चाय पीने के लिए, कॉफी के लिए कहा। आई टोल्ड देम, कप ऑफ कॉफी, कॉफी पीने के लिए कहा। आई टोल्ड देम अबाउट यू, मैंने आपको बताया उनके बारे में, एंड दे आर एंग्सियस टू लुक एट यू, और आपको देखने के लिए बेचैन है। सिड लटकिंस जॉयफुली, ये बात किसने कहा, लटकिंस ने खुश होकर के कहा। दे आर अबाउट द ओनली फॉल्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे, गांव वालों में से वो वही लोग हैं जो शायद कल आपको नहीं देख पाए, बाकी तो लटकिंस को ढूंढने में सारे लोग आपको देख लिए थे। तो बेटा ये रही कहानी द हैग ड्राइवर की। आई होप दैट यू हैव गॉट ईच एंड एवरीथिंग, बट इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू द चैप्टर द हैग ड्राइवर, यू कैन कमेंट और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक्स।